President's address. It's an honor for me to be able to speak at this house today. जैसे आप सबको मालूम है, पिछले चार महीनों में हम भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पैदल चले। तीन हजार छह सौ किलोमीटर तकरीबन, और इस यात्रा पे बहुत कुछ सीखने को मिला। बस 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 बस, इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो जनता की आवाज, हिंदुस्तान की आवाज है, उसको गहराई से सुनने का मौका मिला। शुरुआत में, यात्रा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलने हैं और मुश्किल है मगर किया जा सकता है। आप भी राजनेता हो, हम भी राजनेता हो हैं, हाँ सेवक कह लीजिए, और नॉर्मली आजकल की राजनीति में जो हमारी पुराना ट्रेडिशन था पैदल चलने का, वो आजकल हम सब लोग, हम भी आप भी, उस ट्रेडिशन को शायद भूल गए या उसका हम पालन नहीं करते। मैं भी उसमें शामिल था, आप भी उसमें शामिल हैं, हम सब, कोई गाड़ी में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में जाता है, मगर पैदल कम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जब पैदल चला जाता है, हाँ पैदल जाएंगे, सब जगह पैदल जाएंगे, घबराइए मत, तो जब पैदल चला जाता है, मैं एक किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, दस की नहीं कर रहा हूं, पच्चीस की नहीं कर रहा हूं, मैं दो तीन चार सौ किलोमीटर की बात कर रहा हूं। जब दो तीन चार सौ किलोमीटर चला जाता है तो शरीर पे दबाव पड़ता है, दर्द होता है, मुश्किल आती है। शुरुआत में चलते वक्त लोगों की आवाज सुन रहे थे हम, मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें। कोई हमारे पास आता था, कहता था कि मैं बेरोजगार हूं, और हमें लगता था कि नहीं, हमें कहना चाहिए कि तुम बेरोजगार क्यों हो, कारण क्या है, उसमें हम विपक्ष का रोल भी प्ले कर लेते थे, आपकी भी बुराई कर देते थे। नहीं, वो तो है, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, मगर थोड़ी देर चलने के बाद एक बदलाव आया, और जो हमारी आवाज थी, जो ये डिजायर था बोलने का कि भैया बेरोजगारी इसलिए इसलिए है, महंगाई इसलिए है, वो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि हमने इतने लोगों से बात की, मतलब हजारों लोगों से बात की, बच्चों से,
बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल आवाज बंद हो गई। और फिर हम गहराई से, और मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कभी पहले सुना ही नहीं था, क्योंकि हम सब में थोड़ा सा अहंकार होता है कि हमें बता दें, अपनी बात रख दें। तो आस्ते 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 जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद, जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी, और एक एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। नहीं, गहरी बात है, समझ जाएगा आप समझने की कोशिश करो। यात्रा हमसे बोलने लगी, 200 किलोमीटर आप चलने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा। और वो चाय भेजने इसलिए जाते थे तो यात्रा हमसे, यात्रा बोलने लगी। कोई आता था कहता था, युवक आता था कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो। कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता, जमीन अधिकरण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिली, मगर मेन थ्रस्ट अगर मैं कहूं, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसानों किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं, बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है
ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बैठिए, तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओ, मेरे पानी। तो मुझे एक फर्क दिखा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें, आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट्स एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो दो तीन सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, पहले ये एक दो बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी, पोर्ट्स की बात भी थी।
ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो तीन साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है कैसे? मोदी है तो मुमकिन है। ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए, प्लीज मास्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर, नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसका अच्छा चेहरा नहीं बनाया, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए, तो वो आप बता देना। सो द रिलेशनशिप बिगिन्स मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat, right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both, and he was the backbone in setting up that group of people, okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat, expansion of his businesses. I think then the real magic starts. Jab Pradhan Mantri ji Delhi aate hain, aur 2014 mein asli jadoo shuru hota hai.
मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया और किसके लिए? अडानी से अडानी किसने किया है और किसके लिए बदला गया? रूल बदला गया। रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए, करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए चलिए, तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। बिल्कुल। उसके बाद After that, India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग करके